ओह हाय, हर मिडिल क्लास बाप की तरह मेरे बाप ने मुझे बचपन से बस एक ही घुट्टी पिलाई थी कि बेटा कॉर्पोरेट ऑफिस में लग जाओ, लाइफ हमेशा ट्रैक पर रहेगी। फिर क्या, मैं भी लग गया ख्याली पुलाव बनाने, और मेरे ख्याली पुलाव में था सुकून का छौक। बारीक कटा हुआ आराम, और स्वाद अनुसार ऐश। पर क्या ना, जो ख्याली पुलाव है ना, वो सिर्फ ख्यालों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि असल जिंदगी पुलाव नहीं है, दलिया है मेरे दोस्त, और ये है मेरी बेस्वाद दलिया वाली जिंदगी। मंगल भाई प्लीज गेट खोल दे यार, 3 मिनट बचे हैं, बहुत लेट हो रहा हूं। सांप हूं मैं, चील है तू, घूर क्या रहा है, गेट खोल दे भाई प्लीज। चील का तो पता नहीं, पर सांप तो आप है। इसको दिक्कत क्या है मेरे से, he treats me like doormat। नहीं, जब तक इसको मेरी नीड थी तो मेरे आसपास मंडराता था, और अब देख लो इसको। बीटेक किए हम 3 साल से, बेरोजगार थे तो इनके पास आए थे काम मांगने। इन्होंने भी खूब वादे किए कि साला ऐसी नौकरी दिलाएंगे कि सबके जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। अबे मंगल चूतिया, मेरा बैग लेके आ। अरे मैडम आए हैं, बैग ये रहा आपका बैग। मंगल गंडुआ लैपटॉप लाया, सर लाइए। मंगल वोसड़ी का चाय ले गया, बड़ा साला हो रहा है चाय पीने का। मंगल लोडू फाइल ले गया। अरे आ रहे हैं सर। अरे हटो मेरे पास भाई, प्लीज गेट खोल दे यार, हाफ डे लग जाएगा भाई। मतलब दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज। मंगल, ओ मंगल, मंगल, ओ भाई हाफ डे लगा देगा गंजा यार, लेट। हाय गंजे, ओ हाय सर, हाय सर, हाय सर। एचआर लगा दिया सर हाफ डे, आधी सैलरी कट। हाँ कट ही रहा है मेरा 3 साल से यहाँ पे। 3 साल में मैं 300 बार ट्राई कर चुका हूँ यहाँ से निकलने की, पर जब भी ट्राई करता हूँ ना, कोई नई गोली थमा दी जाती है मुझे। यू वांट टू लीव? नो इशू। हाँ, वो दिसंबर में एक टीम को ऑनसाइट प्रोजेक्ट के लिए कनाडा भेजना है। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म। नहीं जाना है तो जाओ, कोई रोकेगा नहीं, बस प्रमोशंस पास आ रहे हैं, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म। इतनी आसानी से तो जाने देंगे नहीं, हमारा जीवन बदतर की हो तुम्हारा नरक करेंगे, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म। और भाई हो गया काम? हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया, बस एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड देख के निकल रहा हूँ। फ्री वाईफाई कर लो यूज, वरना फ्री के नाम पे तो इस ऑफिस में सिर्फ गालियाँ मिली है। ऐसे मौसम अच्छा हो रहा है आज? नहीं हाँ, बियर पीने का जी कर रहा है यार, लेकिन हमारे नसीब में बियर का मंथ एंड चल रहा है, जहर पीने तक के वैसे नहीं है। पर तेरे जितनी सैलरी होती ना तो मैं सोच सकता था, अब तुम कहाँ हम कहाँ। दोस्तों का पर्यायवाची शब्द होता है गिद्ध, मौका मिला नहीं कि आगे इमोशनल झरना बहा के तुम्हें नोचने। अबे चल ठीक है पी लियो, मैं पिला दूंगा, मेरा ही मन है, गले तक भरेंगे दारू, मुझे दारू छोड़नी है बहन चोद। सही बता। अरे यार लेकिन अगली बार ट्रीट मेरी तरफ से, आई इंसिस्ट। मैं बैग लेके आता हूँ। मंगल, मंगल। हाँ जी सर। अरे वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में कोई है क्या? सर है ना, अपने हर्ष भैया। नहीं यार, उसका तो टाइम हो गया है, कोई और। सर एक एम्प्लॉय अपने काम के लिए जान दे सकता है, समय तो कुछ भी नहीं है ना सर, और आपको तो पता हर्ष भैया है भी बहुत कर्मठ है ना। लाइए आप हमको दीजिए, हम देख के आते हैं। ठीक है तो कहाँ चल दिए हमारे माइकल सुमाकर, लाल बत्ती जल गया नहीं दिखा आपको? वो जो आपके परम पिता परमेश्वर है ना, उन्होंने भेजा है, ये बोले कि खत्म करके जाइएगा। हाँ लगा रहे, लगा रहे। ओ चलिए हम चलते हैं, क्या है कि आज वीकेंड है और हमें थोड़ा अपने चिक्स के साथ चिल विल करना है, तो जस्ट चिल चिल जस्ट क्यों नहीं है। चल कोई नहीं भाई, तू नहीं जा पा रहा तो बियर के पैसे दे दे यार।
अबे अब ले जाएंगे तो भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे ना, हम उनको तो ऐसे नहीं कर सकते। दे दे मैं तेरे नाम की पी लूंगा, मैं मना लूंगा। अरे दे यार बियर महंगी हो गई भाई। चल चल मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, ठीक है। काम कर अच्छे से दबा के। हेलो, हाँ जी सर, सर आई कैन नॉट वर्क सर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आपको कल घर से देता हूँ। एक मिनट, तुम्हारे पापा डॉक्टर है ना, और फिर भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, दैट्स वेरी शेमफुल। इसके बाप की कॉन्डम की फैक्ट्री है ना, फिर भी ये चूतिया पैदा हुआ ना, मतलब लॉजिक की माच। यू नो व्हाट, मैं काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या प्रमोशन मिलना था? मिडिल क्लास आदमी हो ना, और मेरे लिए लक्ष्मी आगमन दिवाली के दिन ही होता, प्रमोशन वाले दिन होता है। फोर व्हीलर लेनी है तो थोड़ी तो घिसवानी पड़ेगी ना, बट डोंट थिंक कि मैं डेस्परेट हूँ, मतलब ऐसा थोड़ी कि कुछ भी कर दूंगा। नहीं तुमको क्या लगता है, कल को बॉस बोलेगा प्रमोशन मिलेगा, छोटा मोटा मर्डर कर दे तो मैं कर दूंगा? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ऐसे मर्डर कर दूंगा? कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, हाँ प्रमोद, कहाँ हो बे? अरे जाओ स्प्लेंडर बुक कराओ, हमारे लिए प्रमोशन होने वाला है हमारा। अरे वो बॉस का फ्रेंड है ना, उसका तीसरा शादी होने वाला है, हाँ उसी का बैचलर पार्टी है आज, और उनका केक वाला फुलदागाबाजी कर चुका है, तो हम सोचे शाम को हम केक थमाएंगे और बॉस हमको प्रमोशन देंगे। तो तुम शोरूम पहुंचो, हम बाद में बात करते, चलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वे जूनियर, मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, चल जाके चाय बना। कौन जूनियर कौन सीनियर हो तो शाम तक पता लगे जाएगा। क्या बोल रहा है? कहे कि कूट देंगे चाय में अदरक, कूट देंगे, चलते। नहीं मिली ना, मैं सबको बाहर कर दूंगा, सबको। समझ में आया? अगर नौकरी बचानी है तो काम करके देना पड़ेगा। पापा, मम्मी के लिए केक मिल गया। अबे किधर है केक? दो दिन पहले ऑर्डर किया था कस्टमाइज केक का, और अब तू कह रहा है कि डिलीवरी बॉय ने केक गिरा दिया। साले तेरी दुकान गिरा दूंगा। शाम को मम्मी का बर्थडे है, अब मैं क्या करूं? कहां से मंगवाऊं? Now I am sure that L in life stands for Lord A. और मेरे बहुत बुरे लग चुके थे।
छी 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 छी, ये छवि तो पिताजी के आत्मा पर घाव छोड़ गई होगी सर। सर इस बार बिल्कुल नरमी से काम मत लीजिए, गर्मी का टाइम है। अनलीश योर हीट सर, अनलीश। कॉफी? नहीं सर, आई प्रेफर टी। कॉफी लेकर आ हराम घोर, लेके जा इसे, जा। हर्ष, do you have any idea कितनी grave mistake की है तुमने? और इस हरकतों की वजह से तुम्हें कंपनी से निकाला जा सकता है। पर since you are a valuable asset to the company, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। Yes sir, जो आप बोलो, बस अपना मर्डर करने को बोल दे प्लीज। देखो हमारे कॉन्डम का नया फ्लेवर लॉन्च हो रहा है, कटीला कटल, उसकी प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी है। सर वो प्रेजेंटेशन तो दो दिन में देनी है, मैं इतनी जल्दी कैसे? ओके, आई विल हायर समवन एल्स। मैं इतनी जल्दी कैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बिल्कुल दे पाऊंगा सर, आप बोल के तो देखिए, मैं अभी बना दूंगा। वेरी गुड, तो मैं कुछ पॉइंटर तुम्हें बता देता हूँ जो डालने हैं। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस यार, गिव मी योर लैपटॉप, आई हैव टू एक्सेस माय मेल। यस सर, रेडी। रेडी टू नेटफ्लिक्स एंड चिल? ये क्या हो रहा है ऑफिस में? ओहो, मैं भी तो देखूं कि क्या देखकर ऑफिस आज के घोड़े खोले जा रहे हैं। इट्स अ पर्सनल थिंग, वो टैब खुला रह गया होगा, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, अवर कंपनी इज लाइक अ फैमिली, और फैमिली से क्या शर्माना पर्सनल चीजों के लिए। देखो जरा कि क्या क्या है हमारे पास। ओहो, तो ये देखा जा रहा है। माय स्टूपिड बॉस, यू वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा मूड लाइट करने के लिए देखा था, फनी फिल्म है ना सर, दैट्स व्हाई। और आपका मूड बॉस के अराउंड जोक सुनने से लाइट हो जाता है? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सर मैं गधा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं नीच हूँ जो ऐसी फिल्में देखता हूँ सर। आज के बाद मैं कोई फनी फिल्म देखूंगा नहीं सर, मैं जोक सुनने होंगे ना, मैं अपनी लाइफ देख लूंगा पर कोई फनी फिल्म नहीं देखूंगा सर। रियली सॉरी सर। बेटा तुम्हारी लाइफ तो वैसे ही ट्रेजिक होने वाली है। शो मी योर वॉच लिस्ट। प्लीज सर मत कीजिए सर। सर शो मी योर वॉच लिस्ट बेटा, देखो। क्राइम थ्रिलर? क्या बात है, पसंद है तुझे? नहीं नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कोई चूते ही होगा जिसको पसंद होगी सर। मुझे पसंद है सर, प्लीज सर माफ कर दो सर, मेरे मुंह से पता नहीं सर क्या निकल रहा है सर। सर ये मेरी जुबान सर, सब इसकी गलती है, मैं इसको भी काट देता हूँ, ये जुबान को ही काट दूंगा। ए, बस 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 बस, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, रख 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 सर। अब सीरियसली बता। हाँ सर, इंटरेस्ट है। टैक्सी ड्राइवर देखिए, यू टॉकिंग टू मी? क्या बात है, क्या बात है, ताली दे ताली दे। ओके, एक्सप्लेन योर टाइम एट दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग टैक्सी ड्राइवर्स डायलॉग। अरे नहीं सर, रहने दो ना सर। बोलना क्या? अरे सर नहीं सर। अरे बोलना, इट्स एन ऑर्डर। अरे नहीं सर, रहने दो। अरे बोलना सर। क्या सर अभी आप? अरे बोलना, इट्स एन ऑर्डर। आई मीन हेल, आई एम गोना डाई इन दिस हेल लाइक रेस्ट ऑफ देम। बहुत मजेदार आदमी है यार। मैं बहुत सीरियस था उस डायलॉग में, बहुत ही ज्यादा, माँ की कसम। खैर कोई नहीं, जो काम किसी पंडित मौलवी फादर ने नहीं कराया, आज वो नेटफ्लिक्स ने कर दिखाया है। अबे जिस बागड़ बिल्ले के सामने कुत्ता दुम हिलाया करता था ना, आज उसी के साथ टांग उठा के मूत रहा था। कल तक उसे सरसर कहने वाला ये हर्ष ना, आज पता उसे कैसे बात कर रहा था। आयुष्मान देखी है तूने? अरे भाई वो किसने नहीं देखी, उसको देखते ना गोटों में करंट दौड़ गया था, करंट। सर कॉफी लाए थे? हाँ तो रख देना भाई, यार रख यार। तू कुछ लेगा? चाय 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 लिया, चलो। और सुन बिस्कुट भी लिया क्रीम वाले। कितना प्यारा लगता है ना गंजा से बात करते हुए, दिल करता है कि बस ये ऐसे ही रहे, पर नहीं, मेरी ये खुशी भी मेरी सेक्स ड्राइव जितनी ही टिकी, केवल 5 मिनट। चल यार, बहुत बकचोदी हो गई आज के लिए, काम पे लग जा, बॉस को प्रेजेंटेशन भी देनी है तुझे। भाई तू मुझसे अभी भी काम करवाएगा?
तो कौन भाई? हर्ष ये क्या हरकत है भाई? ओए मेंटेन द डेकोरम, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। आई एम योर बॉस, ओके? गो बैक टू द वर्क, गो। देख जमूरे, इस संसार में दो भांति के लोग, एक तो मादरचोद, दूसरे भौते मादरचोद।